अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज जू में आ चुके हैं और हमने सोचा यार ये ना कह रहा, इसमें भी कबूतर हैं, इसमें भी कबूतर हैं, इसमें भी कबूतर, इन सारे कबूतरों को ना एक खाने में करते हैं। तो आज हमने बनाया इनके लिए ना एक बहुत ही VIP सेटअप। तो चेक करें जी, यहाँ पर हम अपने कबूतरों को रखेंगे और वो यहीं ब्रीड करेंगे। तो चेक कराते हैं आपको कैसे। ये देखें, एक एक डब्बा हमने इनके लिए बनाया। ये देखें, एक डब्बा ये हो गया, एक ये हो गया, चार नीचे बनाया, एक दो तीन चार, चार ऊपर, चार उसके ऊपर, चार उसके ऊपर, और एंड हमने छोड़ा है खाली। तो ये चेक करें, ये बहुत ही VIP और शानदार हमने बनाया है। और इसमें ये देखें, ये चीज़ है कि इसमें ना हम आराम सुकून से खड़े भी हो सकते हैं। ये देखें, आराम सुकून से कबूतरों को पकड़ सकते हैं। तो ये देखें, यहाँ पर भी हम कबूतर कुछ बैठेंगे ना, लास्ट में ये जो बच्चे निकलते हैं, जो बड़े हो जाएंगे इन गेजेस से ऊपर बैठ जाया करेंगे, और जो ब्रीडर होंगे वो यहाँ पर बच्चे निकालेंगे, यहाँ पर अंडे बच्चे देंगे नीचे। तो मछली का खाना काफ़ी बड़ा है, तकरीबन 1 फुट लंबाई है इसकी, देखें, और हाइट भी काफ़ी ज़्यादा है। आराम सुकून से इसमें उड़कर बैठ सकते हैं। तो ये देखिए जी, नीचे हमने मिट्टी डाली और पक्की मिट्टी डाली है क्योंकि गर्मी आ रही है, तो आराम सुकून से इसमें ना उनको ज़्यादा गर्मी नहीं लगेगी, तो इसलिए हमने इसे कच्ची मिट्टी से बनाया ताकि उनको ज़्यादा गर्मी ना लगे। और यहाँ इसमें यूज़ किया हमने शीट, तो इससे मेरे ख्याल में से यहाँ पर एक लाइट लगाई, उनको ना गर्मी तो बिल्कुल नहीं लगेगी। तो अब इन सोच रहे हैं कि इन खानों के ना आगे हम कुछ ईंटें वगैरह रखें। यार किधर है वो? सोच रहे हैं कि इसके आगे ना कुछ ब्रेक के लिए कि अंडे लाए ना तो ब्रेक हो, तो उसमें हमारा जहन है कि इसमें ना यहाँ पर हम ईंटें लगाएं, और ईंटें लगाने के बाद ना फिर चेक करते हैं जी, ताकि ना अंडे वगैरह तो गिरते हैं कि नहीं गिरते। तो इसलिए हमने सोचा कि यहाँ पर ईंटें लगाएं। तो ईंटें लाओ भाई, ईंटें लाओ, ईंटें लाओ, ईंटें लाओ। तो बच्चों को मैंने कहा जी, बच्चों को लेकर आए और मैंने कहा इनको ईंटें लगाएं। तो निकालो भाई, निकालो, खुद ईंटें निकाल के इधर लाओ इनके साथ। तो बच्चे ईंटें लेकर आ रहे हैं। तो ये देखे जी, अंदर चलो भाई आप, और हमें ना जोड़ कर दिखाओ। तो इसका कुछ काम रहता था जो आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो ईंटें आ रही हैं, ईंटें लाओ, बस ईंटें लाओ, वो रख दो, एक एक बड़ी है ना? हाँ, एक एक लगा, दो दो लगेंगी भाई। हाँ हाँ, इस तरह, हाँ दो दो इस तरह, एक एक वैसे। वो देखे जी खाना, और लगाओ यार, ये आगे रखो यार, अंदर रखो, अंदर पकड़ाओ ना यार, क्या कर रहे हो? तो ये देखे जी, हमने जो कबूतरों का जो मैनेजर हमने रखा हुआ, वो सेटिंग वगैरह कर रहे हैं अंदर। तो चेक करते हैं जी, ये देखें, बड़े VIP शानदार इसने डब्बे बना दिए। ये कहता है जी, इस चीज़ का मुझे तजर्बा है, आप लोग छोड़ दें, ये मैं खुद ही बनाऊंगा। तो ये खुद ही बना रहा है जी, देखते हैं क्या करता है भाई। और लाओ, सारी निकाल के लाओ उसमें से। तो ये देखें जी, उस गेज से जितनी हमारे पास ईंटें थी, वो सारी हम इस गेज में शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम कुछ ही दिन में अपने सारे जिन कबूतरों ने अंडे दिए हैं, जब वो बच्चे निकल आएंगे, तो उन सारों को कुछ ही दिनों में हम इसमें शिफ्ट करेंगे और आपको दिखाएंगे कि कितने प्यारे लगते हैं। यहाँ पर फिर एक ही गेज में सारे कबूतर होंगे। उल्टी ईंट लगाएं, जो भी लगाएं उल्टी लगाएं, वो आपने एक सीधी लगाई है वो भी उल्टी करें। वो देखें, यही ईंट हमेशा उल्टी लगाएं, और उसकी साइड भी अच्छे तरह से ना सेट करें। बस बहुत, बस करो भाई, बस करो। तो अभी कुछ टोटे लगने हैं, जो अभी लाएंगे बच्चे बाहर से। ये देखें जी, ये टोटे वगैरह लाया, जो छोटे छोटे वहाँ पर लगने हैं, क्योंकि कुछ खाना है, दो ईंट की जगह टोटे पकड़ो भाई, इस तरह के ये भी लगेंगे, ये पकड़ो भाई, ये भी करो शिफ्ट। तो ये जो यहाँ पर टोटे लगने हैं, वो टोटे शिफ्ट करेगा। ये देखें जी, उल्टी साइड भाई, गलत लगा रहा है, इस तरह फेरना इसे, ये मुकम्मल सेटअप के साथ यहाँ फिक्स। तो ये देखें जी, हो गया, फिर लगाते हो भाई, लगाते हो, इसमें बड़ा लगना, बड़ा लाएंगे, बड़ा बड़ा लगाएंगे, छोटे यहाँ लगा ले, बड़ा वाला वहाँ पर उठा कर लाएंगे बाद में, ये नहीं लगना, ये छोटा है, उस जगह छोटा है साइड, यार गलत लगाता है, तुझे लगाना ही नहीं आ रहा है। उस साइड लगा, इस तरह लगा, इस तरह, हाँ इस तरह लगा, पूरा होगा, ये लगाएगा बंदा जी, मास्टर गया जी। अब ये देखे जी, मास्टर ने लगा दिया जी, अब लगा उसमें, वो मट्टी हटा कर लगा उसमें, सही लगेगा।
आराम से भाई आराम से। तो दो मास्टर चले गए हैं जी अंदर, और ये देखें खाना हो गया कंप्लीट। और बाकी कौन सा रह चुका है जी? एक वो एंड पे रहता है, उसे उस पर लगाओ। असीम इसका साइज चेक करके बाहर से एक टोटा उठा कर ला। हाँ जा, अब बाहर से जिन उनको पूछ कहाँ से लाएँ, वहाँ से एक उठा कर लाओ। तो बाकी कंप्लीट हो गया जी, यहाँ पर रहता लगाओ। जल्दी करो भाई जल्दी करो। तो एक लेकर गया, लेकर आने वाला है जी बच्चा। यार बाहर से लाओ जल्दी, यहाँ से नहीं लेकर आए, उनसे पूछ लो कहाँ से लेकर आए। तो अभी उठाने गया है जी बच्चे, और मास्टर लगा हुआ है जी, देखते हैं ये क्या करता है जी। तो यहाँ पर देखें जी हमारे सारे कबूतर बाहर आए हुए हैं, बस एक ही रह गया और खा रहे हैं जी बाजरा। रोड बाहर फेंक यार। तो ये देखें जी सारे कबूतर हमारे यहाँ पर बाजरा खा रहे हैं बाहर। बाकी को भी निकाल दे यार, सारे को बाहर आने दे। सारे निकले नहीं, नहीं नहीं कुछ पड़े अंदर, अंदर चले। बच्चा ठीक है इनका चेक कर। तो ये देखें जी ये कबूतर इनके बच्चे हैं। तो ये लग जाएगा, तो मास्टर एक टोटा उठा कर लाया, कहता है जी लग जाएगा। तो देखते हैं जी ये लगता है नहीं। ये भाई छोटा जो मास्टर है ना, ये बड़े काम करता है। तो आज चेक करते हैं जी इसकी जहानत को कि ये कैसे करता है। ये कहता है जी लग जाएगा। तो मैं देखता हूँ जी, ये देखें जी इसने लगा दिया है, बिल्कुल परफेक्ट उठा कर लाया, जो अपनी उंगलियों से मैच कर लाया, बस ठीक है। तो इसने परफेक्ट लगाया है यहाँ पर। और अब आपको चेक करवाते हैं जी इसके खाने। हाँ भाई कबूतरों के लिए परफेक्ट है, ये कबूतरों के लिए परफेक्ट है खाने। हाँ जी दोस्तों, तो चेक करें जी, ये हैं जी हमारे केज। केज कंप्लीट हो चुके हैं, ये देखें, ये एक बॉक्स, ये दो बॉक्स, ये तीन, ऊपर तीन बनाए हैं ये बड़े वाले, और नीचे चार बने हैं, एक दो तीन और चार। तो ये देखें बिल्कुल परफेक्ट बने हैं, कुछ थोड़ी बहुत कसर रहती है वो हम खुद ही ठीक करेंगे, क्योंकि बच्चे तो आखिर बच्चे होते हैं, तो बच्चों से कुछ काम ठीक होता है और कुछ गलत, इसलिए कुछ काम जो ले आए कबूतर। तो ये देखें जी यहाँ पर इसको लगा, ये देखें